खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज का सभी पार्टियाँ ब्राह्मण समीकरण बनाने में या एक दाव खेलने में लगी हुई हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य पार्टियाँ भी ऐसी हैं। आए दिन नए नए पद दिए जा रहे हैं, आए दिन कोई न कोई लालच भरी बातें सामने आ रही हैं। तो आज हम आप पहुँचे हैं करावली क्षेत्र में। यहाँ एक पंडित जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध रखते हैं, पुराने उनके वोटर भी हैं, समर्थक भी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अन्य पार्टियों से कोई उनको भी ऐसा ऑफर मिला है कि कोई पद मिले या कोई लालच भरी बात है, या वो बीजेपी में ही बने रहेंगे। तो बीजेपी में बने रहेंगे तो बीजेपी की क्या मंशा है ब्राह्मणों को साधने के लिए? तो पंडित जी आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है, अभी हाल ही में बात करूँ मैं तो कल समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए जिला अध्यक्ष पंडित जी को बनाया है, शर्मा जी को बनाया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में सभी जातियों का जिस पार्टी को वोट मिलता है या जिस संगठन को वोट मिलता है वही पार्टी सत्ता में आती है। तो राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं हम किसी तरीके से सरकार में आए। रही बात ब्राह्मणों की, जो जिलाध्यक्ष बनाया है उनको या ब्राह्मणों के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण एक उस जाति उस वर्ग का आदमी है कि जिसने आदिकाल से अगर आप देखेंगे तो देश निर्माण के लिए और समाज के हित के लिए हमेशा बलिदान किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस चुनावों में ब्राह्मणों को बहुत कमज़ोर समझा जा रहा है या कुछ अलग किस्म से समझा जा रहा है कि सभी लोग ब्राह्मणों की तरफ रुझान करें सभी पार्टी, ऐसा क्या रीज़न है? ब्राह्मण कमज़ोर तो कभी नहीं रहा, हाँ बेचारा या गरीब जरूर बोल दिया जाता है क्योंकि ब्राह्मण के नाम से बेचारा और गरीब शब्द हमेशा से जुड़ा है, आदिकाल से जुड़ा है, लेकिन ब्राह्मण कभी कमज़ोर नहीं है। ब्राह्मण समर्थ है और जिसके साथ ब्राह्मण जाएगा सरकार उसी की बनेगी, और ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण देश हित और समाज हित में काम करता है, वो केवल भाजपा को। जैसे आपने कहा ब्राह्मण समाज हित और देश हित में अपना कदम उठाएगा, उसी को सपोर्ट करेगा, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो देश हित में समाज हित में आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारे हिसाब से जो पार्टी है, क्योंकि मैं बीजेपी समर्थक भी हूँ और अगर बीजेपी समर्थक भी ना रहूँ तो भी देश हित की जो बात करता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे साथ में एक और हैं पंडित जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पंडित जी, इससे पहले देखा गया था बसपा पार्टी थी, बहन मायावती सुप्रीमो थी, वो उन्हें भी ब्राह्मण कार्ड खेला था और उन्हें 5 साल राज किया था उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण वोट उनसे दूर जा रहा है और वो भी कहने के सम्मेलन कर रही, बीच में सम्मेलन किए कुछ उन्होंने, वो किसी वजह से निरस्त तो हो गए, आपका क्या ख्याल? बहन जी ने जो अपने समर्थन किए थे लेकिन वो उसी समय किए थे, अब तो बहन जी बहुत समय से पर्दे के पीछे हैं, उनका कहीं आपने कहा बहन जी पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के पीछे रहने का क्या मतलब आपको? मतलब ये है कि अभी वो राजनीति से किसी भी प्रकार के कोई संपर्क में नहीं है। अब जब